कनाडा ने एक ऐसी आग में हाथ डाला है जिसमें उसका जलना तय है। पूरे विश्व में खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने वाले केवल दो देश हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है कनाडा। पाकिस्तान की छवि पूरे विश्व में कैसी है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़ा हो गया है, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो के चेहरे से भी नकाब उतर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की ये राजनीतिक मजबूरी उनके लिए परेशानी खड़ी करने लगा है। दरअसल भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है जिसमें विकसित देश दबाव बनाते थे और भारत उनके दबाव को सहता था। ये नया भारत है जो किसी भी देश से नहीं डरता, वो कूटनीतिक चालबाजियों को बेहतर समझता है। आज का भारत विश्व कूटनीति को ना सिर्फ समझता है बल्कि वो कूटनीतिक चालों का जवाब कूटनीतिक चालों से ही देना जानता है। खालिस्तान के मामले में कनाडा की सरकार ने जो स्टैंड लिया और भारत पर जो आरोप लगाए हैं उससे भारत सरकार नाराज है। अब कनाडा पर करारे कूटनीतिक हमले जारी हैं। सबसे पहले भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजदूत को वापस जाने के लिए कहा, फिर कनाडा के हालात देखते हुए वहां रह रहे अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की। उसके बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों को भारत का वीजा देना फिलहाल बंद कर दिया है। अब खबर यह भी है कि भारत ने कनाडा के दूतावास में लोगों की संख्या कम करने का निर्देश दिया है। भारत ने कनाडा को अपनी तरफ से संदेश दे दिया है, खालिस्तान के मामले में वो किसी की नहीं सुनेगा, ना ही वो जस्टिन ट्रूडो के झूठे आरोपों पर कोई कार्रवाई करेगा। आज भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से जुड़े पुख्ता सबूतों की मांग की। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. As we have said, or I think it's been very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a direct, indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. यही नहीं, कनाडा में जो हालात हैं, उससे यही पता चलता है कि वहां रहने वाला भारतीय समुदाय खतरे में है। खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी रैली की घोषणा की है, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस रैली में हिंसा हो सकती है। इस हिंसा का टारगेट वो भारतीय होंगे जो खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। यही नहीं, अभी कल ही खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इंडो कैनेडियन लोगों को भारत लौट जाने की धमकी भी दी थी। खालिस्तानी आतंकी की धमकी की गंभीरता समझते हुए ही भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। भारत को यह आशंका है कि खालिस्तानी आतंकी कनाडा का नागरिक होने का चोला ओढ़कर भारत आ सकते हैं, इसलिए भारत ने कनाडा की नागरिकों को वीजा देना फिलहाल बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर कॉन्सुलेट्स हैं, उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिस्ट्रप्शन आई है, इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परेरली वीजा एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में, हम इसको वीजा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत ने कनाडा में कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत की जो वीजा सर्विसेज को हैंडल करने वाली BLS इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि 21 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक वीजा सेवाओं को
रोका जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है ऐसे समय पर लिया गया जब भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शुरुआत कनाडा की तरफ से की गई, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अनर्गल और बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए, भारत ने उसका भी जवाब दिया, भारत ने उन आरोपों को खारिज किया। और अब जो खबर आ रही है, अगर हम BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट को देखें जो कि कनाडा में जो भारतीय वीजा है उसकी सर्विसेज को हैंडल करती है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि अगले आदेश तक वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल उनकी ही पार्टी के सांसद ने खोली है। लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्या ने अपने एक्स हैंडल पर इस मुद्दे को लेकर बड़ी पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों की वजह से हिंदू समुदाय डरा हुआ है। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी का जिक्र करते हुए कहा है कि इसका असर कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय पर पड़ रहा है। जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी के सांसद चंद्र आर्या ने यह भी कहा है कि खालिस्तानी समर्थक हिंदू फोबिया फैला रहे हैं। वो कनाडा के हिंदू समुदाय से अपील भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना दिखे तो सुरक्षा एजेंसियों से शिकायत करें। आर्या ने आशंका जताई है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हिंदू और सिख समुदाय को बांटना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। आर्या के मुताबिक कनाडा में बड़े पैमाने पर ऐसे सिख और हिंदू रहते हैं जो खालिस्तान का विरोध करते हैं। फ्यू डेज बैक, खालिस्तान मूवमेंट लीडर इन कनाडा एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिख्स फॉर जस्टिस विच ऑर्गेनाइजेस द सो कॉल्ड रेफरेंडम गुरपतवंत सिंह पन्नून अटैक हिंदू कैनेडियंस आस्किंग अस टू लीव कनाडा एंड गो बैक टू इंडिया। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी हिंदू कैनेडियंस हु आर फियरफुल after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu Canadian community. मतलब ये है कि जिस पार्टी के सांसद ये मानते हैं कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की संख्या ना के बराबर है, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक फायदे के लिए किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो इशारा किसी देश का या फिर किसी खालिस्तानी संगठन का भी हो सकता है।